बता दूं बच्चों, आज हम SCERT तेलंगाना की जानिब से जारी करदा वर्कशीट बराए मजमून रियाजी जमात शिशुम का मचौलाती पर्चा 8 के ताल्लुक से पढ़ेंगे। इसमें हम रगबे और इहाते के तसव्वुर को समझेंगे, रगबे और इहाते के ताल्लुक से मसाइल को हल करना सीखेंगे। तसव्वुरात में देखिए बच्चों, यहाँ पर मोहन अपने खेत के अतराफ बाड़ लगाना चाहता है, मोहन को कितने तार की बाड़ की जरूरत होगी। मोहन जो है अपना खेत है उसका, उसके अतराफ बाड़ लगाना चाहता है, बाड़ लगाने के लिए उसे कितनी तार खरीदनी होगी। तो हमें पहले उसके खेत की लंबाई चौड़ाई मालूम करनी होगी। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, खेत के ऊपरी हिस्से की लंबाई 60 मीटर है, खेत के निचले हिस्से की लंबाई भी 60 मीटर है, खेत के दाएं तरफ की लंबाई 40 मीटर है, खेत के बाएं तरफ की लंबाई 40 मीटर है। जिस तरह यहाँ पर शक्ल में बताया गया है, लंबाई जो है 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। तो हम क्या करना है, हमें सरहदों की कुल लंबाई, सरहदों की कुल हदूद की जो लंबाई है हम उसे क्या कहेंगे, इहाता कहेंगे। यहाँ पर देखिए 60 मीटर जमा 60 मीटर जमा 40 मीटर जमा 40 मीटर मसावी है 200 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर मोहन को 200 मीटर की तार की बाड़ की ज़रूरत होगी। हम यहाँ पर है ना इहाते की तारीफ को समझेंगे, बंद सतह की हद की कुल लंबाई को इहाता कहा जाता है। अगर कोई शक्ल है हमारे पास, चाहे 4 कोनी हो या 3 कोनी हो या 5 कोनी हो, क्रास हो, जैसी भी कोई भी शक्ल हो, बंद शक्ल है, उसके अतराफ का जो इलाका होता है, उसके अतराफ की जो लंबाई होती है, हम उसे इहाता कहेंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक मुरब्बा बनाया है, अगर हमें इसका इहाता मालूम करना हो तो इसकी चारों सतह की लंबाई को जमा करना होगा। इसी तरीके से अगर 3 कोनी कोई शक्ल है या 4 कोनी कोई शक्ल है, इस तरह का एक खेत है, हमें इन 5 तरफ का जो लंबाई होती है उसको जमा करने से हम उस खेत का इहाता मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरा सवाल देखेंगे, अंजुम अपने दरवाजे के पर्दे के गिर्द लेस सिलाई करना चाहती है, उसे दरवाजे के पर्दे को लगाने के लिए कितनी लेस दरकार होगी। हम घर में क्या है, पर्दों को सजाने के लिए, घर को सजाने के लिए लेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अंजुम क्या है, अपने घर के पर्दे को लेस लगाना चाहती है। तो हम पहले पर्दे की लंबाई मालूम करेंगे, पर्दे की इस तरफ की लंबाई या पर्दे की उस तरफ की लंबाई और चौड़ाई मालूम करेंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, दरवाजे के पर्दे के दाएं किनारे के साथ लंबाई, दरवाजे के पर्दे के ऊपरी किनारे की लंबाई 90 सेंटीमीटर, दरवाजे के पर्दे के बाएं किनारे के साथ लंबाई 180 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन चारों को जमा करना है, जिसे जमा करने से हमें 540 सेंटीमीटर जवाब। तो दरवाजे के पर्दाई की सिलाई करने के लिए 540 सेंटीमीटर लेस की ज़रूरत है। यहाँ पर और एक बात, हम 540 सेंटीमीटर है तो जैसा कि हमने इससे पहले क्लास में देखा था, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो यहाँ पर तकरीबन 5 मीटर 40 पॉइंट की लेस की ज़रूरत होगी, 5.40 मीटर्स कह सकते हैं हम। उसके बाद आइए रकबे की पैमाइश किस तरह की जाती है जानेंगे। पहला सवाल, हजब जैल मुरब्बा के कितने मुरब्बों से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये पहला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9,
लेकिन यहाँ पर क्या है, लंबाई तूल के किनारे के साथ मुरब्बों की तादाद 3 है और चौड़ाई क्या है वो भी 3 है। तो हम रकबे के लिए हम क्या कर सकते हैं, तूल ज़रब अर्ज मसावी है रकबा, इसका जो जब्ता होता है तूल ज़रब अर्ज मसावी है रकबे के। तो ये तूल कितना है 3 मीटर है, अर्ज 3 मीटर है, तो 3 ज़रब 3 मसावी है 9। तो इसका रकबा होता है 9 मुरब्बा इकाइयाँ, मुरब्बा 9 मुरब्बा इकाइयों से घिरा हुआ है, इसलिए मुरब्बे का रकबा 9 मुरब्बा इकाइयाँ हैं। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, दर्ज ज़ैल मुस्ततील में कितने मुरब्बे हैं, आप यहाँ पर मुरब्बे देखकर गिनकर बताइए। लंबाई तूल के किनारे वाले मुरब्बों की तादाद, ये जो लंबाई है उनके मुरब्बों की तादाद 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई वाले मुरब्बों की तादाद यहाँ पर 3 है। तो हम इसका अगर रकबा मालूम करेंगे तो ज़ाब्ता हमारे पास है रकबे का, तूल ज़रब अर्ज मसावी है रकबा, तो ये 7 ज़रब 3, तो 7 × 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पर ये सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है, तो इसे हम मुरब्बा सेंटीमीटर कहेंगे। हम यहाँ पर बच्चे गौर नहीं करते, तीसरा मशगलाती पर्चा देखें, मशगला देखेंगे बेटा, यहाँ पर मंदरजा ज़ैल शक्लों के अहाते मालूम करें। देखिए मैंने इससे पहले बताया था आपको 3 को नहीं हो या 4 को नहीं हो या 5 को नहीं हो, हम उसका अहाते के लिए क्या करेंगे, उसके 4 अतराफ की लंबाई को जमा करना है। यहाँ पर शक्ल देखिए, यहाँ पर चौड़ाई 36 मीटर है, यहाँ पर 27 मीटर है, ये 34 मीटर है, ये 29 मीटर है, हम इन चारों को जमा करने से जो जवाब आता है वो उसका अहाता होगा। उसी तरीके से दूसरी शक्ल है, तीसरी शक्ल है, चौथी शक्ल है, आप लोग घर पर कोशिश कीजिए। उसके बाद दूसरा सवाल है, नदीम खेल के मैदान के अतराफ चहलकदमी करना चाहता है, उसे कितना चलना होगा। नदीम क्या है, खेल का मैदान है जिसकी लंबाई 150 मीटर है और चौड़ाई 70 मीटर है, वो पैदल चलना चाहता है तो उसे कितना चलना पड़ेगा। पहले तो उसे यहाँ से, अगर वो नदीम यहाँ से इस मुकाम से निकलकर इस मुकाम तक जाता है तो उसे 150 मीटर चलना होगा, फिर 70 मीटर चलना होगा, फिर यहाँ पर 150 मीटर चलना होगा, फिर यहाँ पर 70 मीटर चलना होगा। तो हमें क्या करना है, इसका भी अहाता मालूम करना है। यहाँ पर तीसरा सवाल देखेंगे, ग्रिड शीट में दिए गए मंदरजा ज़ैल पेपर्स का रकबा मालूम करें। तो यहाँ पर एक ग्रिड शीट दे गया है, ग्रिड शीट उसमें है ना, देखिए बच्चों, दो निस्प मुरब्बे, अगर दो आधे आधे अगर डब्बे हैं तो उन्हें एक मुरब्बा बनाना है, निस्प मुरब्बे से ज़्यादा को मुरब्बे के तौर पर गिनती करना है, यानी अगर आधे से ज़्यादा का डब्बा अगर भरती है तो हम उसे एक मुरब्बा कहेंगे, अगर आधे से कम है तो उसे मुरब्बा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर शक्ल में देखिए, पहली शक्ल ने कितने मुरब्बों पर घेरा किया हुआ है, यहाँ पर आप पहली शक्ल देखिए, ये जो शक्ल देख रहे हैं आप, पहली शक्ल यहाँ से यहाँ पे कितनी शक्ल घिरी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम पहली शक्ल 9 मुरब्बों पर घिरी हुई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी शक्ल ने कितने मुरब्बों पर घेरा हुआ है, देखिए बच्चों, जिससे पहले हमने पढ़ा, अगर आधे डब्बे से ज़्यादा आए तो हम उसे एक के तौर पर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये 7, ठीक है बच्चों।